हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस फिल्म्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी की क्लास देख रहे थे हम लोग। और इस ज्योग्राफी क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में। ओशन बॉटम रिलीफ में काफी कुछ डिटेल्स मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, जहां पर मेजर रिलीफ माइनर रिलीफ दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जरा इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे बेसिकली ओशन करंट के बारे में। कई सारी ओशन करंट होती है, वार्म करंट, कोल्ड करंट, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, एग्जाम में भी इससे काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं। नियरली 1 to 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। तो इसमें क्वेश्चन भी मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिक डिटेल को लेकर के कि कोल्ड करंट और वार्म करंट कौन सी होती है, कहाँ पे होती है और क्यों होती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैच द फॉलोइंग टाइप का, जहां पर आपको करंट्स दे दी जाएंगे और उसके बाद से पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताइए कि ये कहां पे बहती है या फिर जो है ये वार्म करंट है या फिर कोल्ड करंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बेसिकली दो टाइप के बनते हैं, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। बस ये है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो और थोड़ी सी फैक्ट याद हो, बस दैट्स ऑल। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर some of the available courses on YouTube which are prelims special, mains special and test series based on subscription. तो अगर ocean current के बारे में बात करें तो पहले देख लेते हैं कि ocean current होती क्या है। तो basically जो ocean currents होती है वो तीन तरीके की हो सकती हैं। एक होती है जिसको हम लोग waves बोल सकते हैं, tides बोल सकते हैं और currents बोल सकते हैं। tides के बारे में already हम लोगों ने discuss कर रखा है, this is because of the gravitational force। तो ये gravitational force की वजह से हुआ करता था, जहां पर बेसिकली तीन बॉडीज आ जाती थी। एक होती थी जो अर्थ है, दूसरी होती थी जो सन है और तीसरी होती है जो मून है। ये तीन बॉडी बेसिकली जब भी जो भी पोजीशन होती है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे कैसे भी हो, अकॉर्डिंगली ये अलग अलग तरीके की टाइड बनाती है। जहां पर हम लोगों ने देखा था स्प्रिंग टाइड के बारे में और नीप टाइड के बारे में, तो वो सारे कंसेप्ट तो डिस्कस कर लिए हैं, वो सारे कंसेप्ट क्लियर भी होंगे। हमारा दो कंसेप्ट बेसिकली बचता है, एक बचता है हमारा करंट्स के बारे में और दूसरा आती है वेव्स के बारे में। तो वेव बेसिकली अगर बात करें तो वेव होती है ड्यू टू फ्रिक्शन जनरेटेड ड्यू टू द विंड एंड सी सरफेस। जो भी सी का सरफेस है या वाटर की जो लेयर है उसके बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कैसे, देखिए सपोज दिस इज ओशियन का सरफेस, मान लेते हैं कि ये ओशियन का सरफेस है और इस ओशियन के सरफेस के ऊपर इस तरीके से विंड ब्लो कर रही होगी। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में विंड जो है वो ब्लो कर रही है, कौन सा डायरेक्शन हो गया ये, दिस इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड दैट इज व्हाई दिस इज दीज आर वेस्टर्लीज। तो ये वेस्टर्ली विंड एक तरीके से कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर वाटर बॉडी के नीचे यहां पर पानी पड़ा हुआ है, पानी के साथ साथ केस ये होगा कि यहां पर थोड़ा सा अगर इसमें फिजिक्स लगाएं तो यहां पर बेसिकली दो तरीके के फोर्सेस वर्क करते हैं। एक होता है इसको बोलते हैं हम लोग एडहेसिव फोर्स, दिस इज एडहेसिव फोर्स, और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, दिस इज कोहेसिव। ये होती है बिकॉज ऑफ द एडवेक्शन, आप बोल सकते हैं एडवेक्शन इन द सेंस कि जहां पर भी दो मटेरियल आपस में, दो डिफरेंट मटेरियल एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट में आते हैं। और कोहेजन का मतलब होता है, दिस इज बेसिकली कोहेजन, और कोहेजन जो होती है वो सिंगल टाइप मटेरियल में होती है, सिंगल टाइप मटेरियल। तो यहां पर अगर बात करें इस वाटर बॉडी के पास में अगर बीच में पहली लेयर को छोड़ दी जाए, दूसरी लेयर पे जस्ट अगर बात करें तो बेसिकली ये दोनों साइड में कोहेजन फील कर रहा है। तो ये बेसिकली कोहेजन होने के कारण से यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर इस बॉडी पे बात करें, इस लेयर पे, तो यहां पर एक तो लग रही है जो इसके ऊपर में बाइंड फोर्स लग रही है, दूसरी जो लग रही है वो एमजी लग रही है इसकी, ठीक है। तो ये दोनों अगर इन केस काउंटर बैलेंस कर जाती है और साथ ही साथ में कोहेसिव फोर्सेस जो लग रही है वो भी अगर काउंटर बैलेंस कर जाती है तो ये अपने आप में स्टेबल पोजिशन में है, क्योंकि यहां पर नेट फोर्स जीरो है कि नहीं। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये जो है वो स्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। बट द लेयर विच इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, जो लेयर एयर के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आ रही है, यहां पर एडहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। मतलब कि अगर मान लेते हैं इस वाले के बारे में बात करें, इस सरफेस के बारे में, तो इस पे भी ऑब्वियसली बाइंड फोर्स तो लग ही रहा होगा, ये तो वाटर की प्रॉपर्टी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, एम जी लग ही रहा होगा। मान लेते हैं दोनों आपस में बैलेंस कर लिया है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंशिएशन, डेंसिटी के कारण से ये आपस में एक दूसरे के साथ में काउंटर बैलेंस कर लिए हैं। तो एक साइड में ऊपर लग रहा है जो एडहेसिव फोर्सेस लग रहे हैं, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर,
और दूसरा लग रहा है जो कोहेसिव फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बेसिकली एडहेसिव फोर्स है, दिस इज नॉट डायरेक्टली इन वर्टिकल डायरेक्शन, बल्कि ये कुछ इंक्लाइंड होगा। क्यों? क्योंकि एयर की जो डायरेक्शन है वो वेस्टर्ली है। इस कारण से यहां पर जो भी इसको चेंज इन वेलोसिटी, अब वही p बराबर mv होता है ना मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम बेसिकली दे देगा इसको एक फोर्स या फिर इंपल्स। और इस तरीके से ये जिसको समझ में आया वो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। ओके, यहां पर क्या है कि एडहेसिव फोर्स इसको एक डायरेक्शन में एक एंगल पे मिल जाएगा, जिसके कारण से इसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल जाती है। और इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण से यहां पर जो कह लीजिए वाटर की लेयर है, फर्स्ट लेयर है, इसमें वेव्स जनरेट हो जाएंगी, क्योंकि एक सिंगल एक कोई ना कोई एक फोर्स चाहिए होता है वेव जनरेट करने के लिए, वेव जनरेट हो जाएंगे। और ये वेव बेसिकली कैसी होंगी, ये वेव एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव कहलाएंगी, ये ट्रांसवर्स है, बिकॉज जो सरफेस जो होती है वो बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, या फिर कह सकते हैं कि जो भी सरफेस टेंशन होती है, उस सरफेस टेंशन के कारण से सॉलिड एक नेचर फील करना शुरू कर देती है। तो इस कारण से यहां पर सरफेस टेंशन की वजह से ट्रांसवर्स वेव ये चलना शुरू हो जाएंगे, ट्रांसवर्स वेव स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज द वेव कंडीशन। ओके, तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि वेव्स आर फॉर्म ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड सी सरफेस वाटर लेयर, द स्ट्रॉन्गर द विंड बिगर द वेव एंड दे डाई आउट क्विकली ऑन रीचिंग द शोर और शैलो वाटर। इस तरीके से यहां पर ये खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया, काफी साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने पूरा सिस्टम देखा। अब दूसरी चीज आती है जो करंट होती है, तो बेसिकली जो करंट होती है दे आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, ये भी जो जनरेट होती है वो ड्यू टू फ्रिक्शन जनरेट होती है। लेकिन यहां पर केस ये है, ये सरफेस मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही, पहली बात तो ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है, और वीक होने के कारण से ये वेव्स नहीं जनरेट कर पाती हैं। तो बेसिकली ये करंट होती है, करंट का मतलब ये होता है कि ये ड्यू टू दिस वेव दिस जनरेट, जैसे मान लीजिए ये वेव जनरेट हो रही है और इस वेव के कारण से वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया है, और अगर वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है सीधी सी बात है करंट जनरेट हो जाएंगी। और जब ये करंट जनरेट होती है तो इसको अर्थ की रोटेशन के कारण से जो कोरियोलिस फोर्स लग रही है, उस कोरियोलिस फोर्स का एक कंपोनेंट मिल जाता है और अल्टीमेटली इसको मूव करा देता है। कहां मूव कराएगा? अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो ये इसको राइट डायरेक्शन में मूव करा देगा, और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो ये इसको लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव करा देगा। तो ये हो गई जो ओशन करंट के बारे में है। वर्टिकल करंट्स भी जनरेट होती हैं। अब ये वर्टिकल करंट क्या चीज होती है, मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस है, ओशन सरफेस, दिस इज ओशन सरफेस। ओके, यहां पर जैसे जैसे आप डेप्थ में आते जाएंगे, जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे ही जो डेंसिटी है वो अलग होती जाती है, डेंसिटी डिफरेंशिएशन। इस डेंसिटी डिफरेंशिएशन में जो सरफेस पे होगी वो रिलेटिवली लेस डेंस होगी, हल्की होगी, और जो नीचे होगी वो हाई डेंस होगी, भारी होगी। होगा क्या, यहां पर लगातार सैलिनिटी चेंज हो रही है, जो भी इसकी कह लीजिए सैलिनिटी है, जो भी इसके अंदर में लवणता है वो कम होती जा रही है, साथ ही साथ इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी बदल रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पर इंसुलेशन होती है, इस इंसुलेशन के अलावा यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट हो रही होती है, साथ ही साथ इवेपोरेशन हो रहा होता है, मरीन एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको लेकर के हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो इस कारण से लगातार ये जो डेंसिटी है, इस डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण से वाटर के अंदर में एक सर्कुलेशन बन जाती है, और इसी सर्कुलेशन को बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल करंट, दिस इज वर्टिकल करंट। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है वर्टिकल करंट के कारण से, टेम्परेचर और सैलिनिटी चेंज के कारण से हो जाती है। क्लियर हो गया, तो सुनामी, स्टॉर्म सर्जेस, टाइडल, ये भी एक तरीके की टाइडल वेव्स होती है जिनको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, यहां पर कोई वापस से डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। ओशन करेंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन द ओशियन, दे रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डिफाइंड पाथ एंड डायरेक्शन, एंड दिस इज बिकॉज व्हाट, दिस इज बिकॉज क्योंकि वेव्स जनरेट हो ही रखी हैं, क्योंकि हमारे पास जो विंड्स हैं इन विंड्स का डायरेक्शन हमें फिक्स है, डायरेक्शन जो है इनका फिक्स होता है। फिक्स का मतलब क्या हो गया, या तो ये वेस्टर्ली होंगी या तो ये ईस्टर्ली होंगी, और ये चूंकि पीरियोडिक वेव्स है, मतलब कि परमानेंट है, तो इस कारण से
इस पीरियोडिक विंड्स के कारण से, ये देखिए जितनी भी विंड वगैरह है ये हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या हम लोग बातें करते हैं, ये पीरियोडिक विंड और ईस्टर्ली वेस्टर्ली। फिलहाल के लिए केवल आप समझ लीजिए कि ये कुछ है, ठीक है। तो फिलहाल में अगर बात करें पीरियोडिक विंड है, इस पीरियोडिक विंड की डायरेक्शन फिक्स होती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर बेल्ट, थोड़ी मोड़ी जो चेंज होती है वो होती है, बट प्रेजेंटली हम लोग इसको फिक्स माने के चले अगर, इस कारण से यहाँ पर जो होती है ओशन करंट जो होती है ये भी फिक्स हो जाती है, इनके ऊपर में जो कोरियोलिस फोर्स लग भी रहा है वो भी फिक्स होता है। तो इस कारण से दे आर रेगुलर वॉल्यूम एंड इन डिफाइंड पाथ एंड डायरेक्शन। हालांकि इन ओशन करंट पे दो तरीके के फोर्स लग रहे होते हैं, एक होता है जिसको प्राइमरी फोर्स बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी फोर्स। जो प्राइमरी फोर्स होता है दिस इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ वाटर, और जो सेकेंडरी फोर्स होता है ये बेसिकली करंट को फ्लो में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या चीज है, जैसे आपने मान लेते हैं, दोनों में अंतर समझ लीजिए, करंट और फ्लो में अंतर समझ लीजिए क्या चीज है। मान लीजिए कोई एक लेक है, दिस इज बेसिकली सपोज कोई एक लेक, इस तरीके से 3D डायग्राम हो गया, यहां पर आपने एक पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने के कारण से ये रिपल्स जनरेट हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं। तो ये रिपल्स जो जनरेट हुई है बेसिकली वो एक करंट को जन्म देती हैं। इस करंट पे जब मूवमेंट आ जाती है और इस मूवमेंट के बाद कोरियोलिस फोर्स लग करके एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिल जाता है, इस डायरेक्शनल मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कि अब इसमें फ्लो आ गई है। फ्लो मतलब कि अब ये बहना शुरू कर दिया है, अब ये आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अदरवाइज जो रिपल्स होती हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन या फिर कह लीजिए एक सिंगल पोजीशन की होती है, एक ही जगह की प्रॉपर्टी होती है। अगर इसमें प्राइमरी फोर्सेस के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर प्राइमरी फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है ओशियन करंट के लिए वो होती है, एक तो होती है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, दूसरी होती है विंड, तीसरी होती है ग्रेविटी और चौथी होती है कोरियोलिस फोर्स। यहां पर आपको विंड और कोरियोलिस फोर्स के बारे में तो बताने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि मूवमेंट होगा, मूवमेंट के बाद जो होती है इनके ऊपर में एक फोर्स लग जाती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट डायरेक्शन में मूव करा देती है और सदर्न हेमिस्फीयर में इसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा देती है। विंड के कारण से फ्रिक्शन जनरेट होती है और इस फ्रिक्शन के कारण से यहाँ पर रिपल्स या फिर वेव्स जनरेट होती है और ये वेव्स अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ करंट और करंट के कारण से फिर अल्टीमेटली फ्लो बन जाता है और इस तरीके से ये रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं करंट के लिए। अगली होती है जो हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी है। देखिए हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी का मतलब होता है इंसोलेशन। इस इंसोलेशन के कारण से डेंसिटी में डिफरेंसिएशन हमें देखने को मिलता है, डेंसिटी डिफरेंसिएशन, और इस डेंसिटी डिफरेंसिएशन के कारण से जो हमारी ओशियन करंट्स हैं, जो हमारी ओशियन करंट्स हैं चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस आता है। तो बेसिकली ये वॉल्यूम को थोड़ा मोड़ा इंपैक्ट कर रही होती है। ग्रेविटी तो सीधी सी बात है, ग्रेविटी के कारण से मूवमेंट भी आ रही होती है, तो अगेन ये मूवमेंट में सहायता दे रही होती है, अगेन ये भी एमजी फोर्स के कारण से ये भी सहायता दे रही होती है। फिर उसके बाद आती है सेकेंडरी फोर्सेस। देखिए ये वो है जो प्राइमरी मतलब कि दे लीड टू द जनरेशन तो नहीं प्रोपेगेशन ऑफ द करंट के बारे में बात करेंगे। दीज लीड टू प्रोपेगेशन मतलब आगे बढ़ने में सहायता देते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ ओशियन करंट। लेकिन दूसरी होती है जो प्रोपेगेट तो हो गया है लेकिन इसके बावजूद भी इसको इंपैक्ट कर रही होती है, जैसे सेकेंडरी फोर्सेस जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस और सैलिनिटी डिफरेंस हो जाती है। ये जन्म नहीं देती है, ये प्रोपेगेट होना शुरू हो चुकी है और प्रोपेगेट होने के बाद इसको इंपैक्ट कर रही है, या फिर कह सकते हैं प्रोपेगेट होने के बाद डायरेक्टली इसको एक लैंडिंग हैंड प्रोवाइड कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि अगेन दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्सेस, लेकिन सेकेंडरी ड्राइविंग फोर्सेस हैं। क्लियर, आगे बढ़े तो हम लोग देख लेते हैं जरा टाइप ऑफ ओशन करंट्स कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग बेसिकली दो तरीके की ओशन करंट के बारे में बात करेंगे, एक होगा जो हॉरिजॉन्टल ओशन करंट के बारे में बात करेंगे और दूसरी होगी जो वर्टिकल ओशन करंट के बारे में बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि सीधे सीधे करंट होती है और एयर के कारण से होती है, लेकिन जो वर्टिकल होती है बेसिकली वो डेंसिटी डिफरेंसिएशन के कारण से होती है, ये भी हम लोगों ने हालांकि अभी देख ही लिया। इसके लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, जबकि ऊपर वाले के लिए जो फैक्टर होते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, इंसुलेशन होती है, विंड होती है, इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स भी होती है। अगर बेस्ड ऑन द डेप्थ के बारे में बात करें यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो दे आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन देयर डेप्थ एज सरफेस करंट एंड डीप वाटर ओशियन करंट। सी सरफेस या फिर सरफेस करंट कंस्टिट्यूट
अबाउट 10% ऑफ ऑल द वॉटर ऑफ द ओशियन. दीज वॉटर आर द अपर 400 मीटर ऑफ द ओशियन. इसलिए क्योंकि ये फोटिक जोन होता है. ये फोटिक जोन वगैरह क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. वैसे डीप वॉटर करेंट मेक अप द 90% ऑफ ओशियन वॉटर एंड दीज वॉटर मूव अराउंड द ओशियन बेसिन ड्यू टू द वेरिएशन इन डेंसिटी एंड ग्रेविटी. तो अगेन डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन के कारण से जो मैंने बोला वही चीज यहां पर होती है. डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन अल्टीमेटली ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण से. जैसे ये मान लेते हैं कि कोई ना कोई एक बॉडी है जो ऊपर की ओर में एक बाइंड फोर्स फेस कर रहा होगा, साथ ही साथ में नीचे में mg लग रहा होगा. इन दोनों में जो डिफरेंस होगा बेसिकली दैट डिफरेंस विल बी, मतलब आप लोगों ने बचपन में किया भी होगा, रो माइनस डी इंटू डी जी, इस तरीके से लिखा होगा आपने, रो डी जी होता है ना. तो इस तरीके से आप जो होता है डेंसिटी डिफरेंसिएशन के कारण से यहां पर बना सकते हैं. तो ये बेसिकली तरीका हो जाता है इस पूरे के पूरे सरफेस के, मतलब कि ओशन करंट को देखने का, जहां पर डेंसिटी वेरिएशन, यही जो डेंसिटी डिफरेंसिएशन है यही मैटर करती है अगर आप डेप्थ वाइज जा रहे होते हैं ओशन करंट को देखने. तो डीप वाटर सिंक इनटू द डीप वाटर, ठीक है, सिंक इनटू द डीप ओशन बेसिन एट हाई एल्टीट्यूड वेयर द टेम्परेचर एंड कोल्ड इनफ टू कॉज द डेंसिटी टू इंक्रीज. तो इस तरीके से यहां पर बेसिकली बेस्ड ऑन द डेप्थ हम लोगों ने सिस्टम देख लिया. अब आगे बढ़ते हैं और टेम्परेचर के हिसाब से देख लेते हैं बेस्ड ऑन द टेम्परेचर क्या चीज होती है. तो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर बेसिकली जो हमारी ओशन करंट्स होती है दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कोल्ड करंट एंड वार्म करंट. बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल करंट्स होती हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल करंट्स. और इन हॉरिजॉन्टल करंट्स को हम लोग अगेन दो पार्ट में, कोल्ड करंट और वार्म करंट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं. कोल्ड करंट वो होती है जहां पर कोल्ड वाटर होती है, और कोल्ड वाटर है तो सीधी सी बात है हाई लैटिट्यूड से, पोलर इलाके से कह सकते हैं कि बेसिकली आ रहा होगा किधर के साइड में, इक्वेटोरियल के साइड में या इक्वेटर के साइड में. दीज करेंट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड दीज फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड. ऐसा क्यों है, क्या चीज है, हम लोग आगे अभी जब मैप देखेंगे तो आपको डिस्कस करेंगे और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर में ऐसी कंडीशन है तो क्यों है. वार्म करंट के बारे में बात करें, सीधी सी बात है वार्म एरिया से निकल करके आ रहा होगा, वार्म वाटर होगा, मतलब कि अब इक्वेटर से जो पोलर जाएगा वो रहेगा वार्म करंट. क्लियर. दीज आर ऑब्जर्व ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड. तो इस तरीके से बेसिकली ये दोनों के दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है ओशन करंट का, जहां पर हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे, मतलब कोल्ड करंट और वार्म करंट के बेसिस पे कर लेते हैं, और दूसरी जहां पर हम लोग डेप्थ वाइज इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. अब हम लोग जरा आते हैं और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लें. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है. दिस इज क्वाइट क्लियर क्योंकि यहां पर कोरियोलिस फोर्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगता है वो लगता है राइट डायरेक्शन में. आप किसी भी पॉइंट पे, यहां पर मान लेते हैं इसके डायरेक्शन को आप चारों डायरेक्शन कहीं पर भी आप घुमा सकते हैं, ये चारों डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन चारों डायरेक्शन में जब भी फोर्स लगेगा, राइट में डायरेक्शन में फोर्स लगा राइट इधर है इसका, इस पर राइट फोर्स लगा राइट इधर है इसका, इस पर राइट फोर्स लगा इधर है राइट, इधर है राइट. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखिए ये मूवमेंट इधर के साइड में, यानी कि मूवमेंट जो है बेसिकली वो क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा है, और वही जब सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा कर देंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिल जाएगा. क्लियर. तो कोरियोलिस फोर्स ही बेसिकली सारा का सारा गेम कर रहा है, जहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में मूव करा रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर मूव करा रहा है, और इस तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज बन जा रही है और जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज बन जा रही है. क्लियर. द वार्म वाटर वार्म करंट मूव टुवर्ड्स द कोल्ड सी एंड कोल्ड करंट मूव टुवर्ड्स द वार्म सी. दैट इज जस्ट बिकॉज क्यों है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सीधी सी बात है, इतना देर से हम लोग बातें करना है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही ना विंड मूव करती है. अब विंड मूव करेगी तो ओशन करंट भी उसी हिसाब से मूव करेगी. हाई प्रेशर का मतलब होता है लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर लो प्रेशर का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, बस काम खत्म हो गया. यानी कि जो मूवमेंट होगी बेसिकली लो टेम्परेचर यानी कोल्ड एरिया से वार्म एरिया की तरफ देखने को मिलेगी. क्या वही चीज लिखी हुई है यहां पर भी, कोल्ड एरिया से वार्म एरिया की तरफ में मूव कर रही होती है. द शेप एंड पोजीशन ऑफ कोस्ट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. दिस इज एक्चुअली द टोपोग्राफी.
तो ये बेसिकली टोपोग्राफी होती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं ओशियन बॉटम रिलीफ, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं अलग अलग ओशियन में कि कहां पर किस तरीके की हमें ओशियन करंट मिल रही है। यहां पर देखिए दो तरीके की करंट हम लोग बात करेंगे, एक तो वार्म के बारे में बात करेंगे, एक हम लोग वार्म के बारे में बात करेंगे जिसको मैं रेड कलर से दिखाऊंगा, और दूसरी हम लोग बातें करेंगे कोल्ड करंट के बारे में जिसको मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली दो तरीके के हम लोगों के आइडेंटिफाई करने के तरीके हो जाएंगे। अब हम लोग जरा अगर देखें यहां पर कि कौन सी कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट छोड़ते हैं पहले ओशन देख लेते हैं। तो ओशियन में ये इलाका है जो है वो बेसिकली पैसिफिक ओशियन का है। यहां पर अगर बात करेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन का है, ये बेसिकली बात करें तो ये जो है वो इंडियन ओशियन है, और यही बेसिकली हमें तीन ओशियन देखने होते हैं। ये हमारा इक्वेटर लाइन है, दिस इज इक्वेटर लाइन। इस इक्वेटर से जस्ट ऊपर जो भी मिलेगा उसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक है तो अटलांटिक बोल देंगे, इसके नीचे साउथ है तो साउथ अटलांटिक ओशियन बोल देंगे। सिमिलरली ये इक्वेटर है, इसके जस्ट ऊपर पैसिफिक है तो ये नॉर्थ पैसिफिक हो जाएगा, सिमिलरली इसके जस्ट नीचे साउथ पैसिफिक हो जाएगा। ये सब बेसिक डिटेल है जो आपको जानकारी ऑलरेडी होगी। अब जरा चलते हैं हम लोग और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग जरा पैसिफिक ओशियन करंट्स के बारे में। फटाफट देखते हैं कौन कौन सी पैसिफिक ओशियंस है। तो इस तरीके से आपको पैसिफिक ओशियन दिख जाएगी। यहां पर बेसिकली ये जो इलाका है जहां पर मैंने कोशिश किया है बनाने की, ये पूरा इलाका जो है वो पैसिफिक ओशियन का है। ये पूरा इलाका पैसिफिक ओशियन का है जहां पर ये जो लाइन है बेसिकली, इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं तो बेसिकली इस तरीके से ये एक्चुअल में यहां से गुजरना चाहिए, कोई बात नहीं, यहां से ये जो है बेसिकली वो इक्वेटर लाइन है, दिस इज इक्वेटर लाइन। इस इक्वेटर लाइन में सीधी सी बात है कि इक्वेटोरियल करंट बह रही होगी। इक्वेटोरियल करंट देखिए मूव नहीं करेगी, वो पैरेलल टू द इक्वेटर चलेगी। क्यों चलेगी पैरेलल टू द इक्वेटर? दिस इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है। जो सेंटर ऑफ द अर्थ होती है वहां पर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है, इस वजह से इक्वेटोरियल करंट जो होती है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में इस तरीके से चल रही होगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो इक्वेटोरियल करंट है वो इस तरीके से चल रही है। अब देखिए ये जो इक्वेटोरियल करंट है, ऊपर वाले को हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नीचे वाले को बोल देते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्लियर हो गया? इस इक्वेटोरियल करंट के सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूव करने के कारण ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास में, मतलब कि इस साउथ ईस्ट इलाके के पास में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर, मतलब कि इस इलाके में, ये जो इलाका मैंने क्रॉस किया हुआ है, बेसिकली यहां पर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर देखने को मिल जाता है, और इस एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर के होने के कारण से पानी की एक बड़ी ट्रेन यहां पर डेवलप हो जाती है, जिसके कारण से उल्टी डायरेक्शन में पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो दिस इज बेसिकली काउंटर इक्वेटोरियल करंट विच अल्टीमेटली बैलेंसेज द इक्वेटोरियल वाटर। तो इस तरीके से यहां जो बीच में मैंने बनाया है इसको हम लोग बोल देते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, दिस इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट। क्लियर हो गया? तो ये जो करंट है वो हमेशा पाई जाएगी, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो, चाहे इंडियन ओशियन हो, या फिर अटलांटिक ओशियन हो। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब हम लोग जरा बातें करना शुरू करते हैं जरा पैसिफिक ओशियन के बारे में। यहां पर देखिए ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहां पर है हमारा साउथ अमेरिका, यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद से ये हो जाता है एशिया। जब हम यहां पर देखते हैं मूवमेंट कराते हैं तो होता क्या है कि जो इक्वेटोरियल करंट है, ये इक्वेटोरियल करंट यहां पर ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, दीज आर कैरेबियन आइलैंड्स। जैसे वेस्ट इंडीज की टीम है ना, तो वेस्ट इंडीज की टीम एक्चुअली कोई कंट्री नहीं है, वेस्ट इंडीज जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। जैसे हमारा ब्रायन लारा हो गया, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो से बिलोंग करते हैं, तो ये भी अगेन कैरेबियन आइलैंड की ही एक छोटा सा आइलैंड होता है यहाँ पर, तो उसके हैं ये लोग। तो खैर ये चीज चलिए क्रिकेट है, समथिंग डिफरेंट। नाउ इक्वेटोरियल करंट होती क्या है, चूंकि यहाँ पर इसको ओशियन बॉटम जो यहाँ की है, कहाँ की, ये जो साउथ अमेरिका है, यहाँ की ओशन बॉटम रिलीफ जो है इसको एक टोपोग्राफी में एक मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होगी। इस मूवमेंट के कारण से अल्टीमेटली चला जा रहा होगा इधर के साइड में, किधर के साइड में, जो कैरेबियन है इसके
साउथ के साइड में एक विंग इधर चली गई, दूसरी विंग चली जाएगी इधर, इस तरीके से। तो खैर ये कैरेबियन और ये आगे जो एंटलीज वगैरह है ये सब हम लोग बात करेंगे अभी आगे, जब हम लोग अटलांटिक के बारे में बात करेंगे तो वहां पर डिटेलिंग देखेंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं पैसिफिक के बारे में, और जो पैसिफिक है हमारी वो आगे जब बढ़ती है यहां से, यहां पर जो काउंटर, यहां पर जो इक्वेटोरियल करंट है ये आगे बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ये जापान के साइड में चली जाती है। इस जापान में जाने वाली जो करंट होती है उसका नाम पड़ता है कुरोशियो करंट, दिस इज बेसिकली कुरोशियो करंट, और कुरोशियो करंट ऑब्वियस ही बात है कैसी होगी, गर्म होगी। तो दिस इज वार्म करंट, ये वार्म करंट होती है, लेकिन यहां पर क्या है ऊपर से कुछ करंट्स आ रही होती हैं, एक करंट आती है जो इधर से आ रही होती है और दूसरी करंट आ रही होती है जो इधर को अंदर से आ रही होती है। यहीं पर एक सागर है, ओशियन है, जिसका नाम है ओखोटस्क, और इस ओखोटस्क के नाम पर ही इस करंट का नाम भी पड़ गया है, ओखोटस्क करंट विच इज कोल्ड करंट। साथ ही साथ में ऊपर से एक और करंट आ रही है जहां पर आप देख सकते हैं, और इसका नाम है ओआशियो, ओआशियो, ओ आई ए एस एच आई ओ, ओआशियो करंट, एंड दिस इज कोल्ड करंट। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम लोगों ने देखा एक ओखोटस्क करंट के बारे में, दूसरी देख लिया हम लोगों ने ओखोटस्क, ये ओएशियो करंट के बारे में, दोनों यहां पर मिलती हैं, और अल्टीमेटली यहां पर जो होता है एक फिशिंग ग्राउंड बनता है, यहां पर कोल्ड कोल्ड करंट और वार्म करंट का एक मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग करने के बाद अल्टीमेटली होता क्या है कि जो ये कुरोशियो करंट है ये आगे बढ़ जाती है, आगे जब बढ़ती है तो ये वार्म करंट के रूप में कोल्ड एरिया में जाती है, इसका नाम पड़ जाता है यहां पर नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। तो दिस इज नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, और ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट अल्टीमेटली यहां पर पहुंचती है, कहां पर, अमेरिका के पास में पहुंचती है। दिस इज अमेरिका का रीजन है जिसका नाम है अलास्का, दिस इज 50th state यहां पर ये आता है। यहां पर इलाका जो है काफी ज्यादा कोल्ड होता है, जो अलास्का है काफी ज्यादा कोल्ड होती है, ग्लेशियर से ढकी होती है, जिसके कारण से जो नॉर्थ पैसिफिक है जब यहां पर इसकी एक विंग आती है जिसको हम लोग अलास्का करंट, अलास्का के नाम पर ही अलास्का करंट पड़ जाता है, ये वार्म करंट के रूप में रहती है। लेकिन जैसे ही ये करंट नीचे आती है तो नीचे यहां पर कोलंबिया, कोलोराडो ये सब पड़ता है, जिसके कारण से यहां पर अब ये जो करंट है वो कोल्ड करंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ती है तो ये कोल्ड करंट के नाम से जाने लगती है। यहां पर इसको बोल देते हैं हम लोग कोलंबिया करंट, या फिर इसी को बोल सकते हैं कोलोराडो करंट, मतलब बहुत सारे नामों से ये जानी जाती है, और कैलिफोर्निया करंट, सब के सब यही इसी का नाम है कैलिफोर्निया करंट। अलग अलग जगहों पे देखिए अलग अलग नाम से जानी जाती है, पहले कैलिफोर्निया होती है, फिर कोलंबो होती है, फिर कोलोराडो हो जाती है। तो इस तरीके से यहां पर अलग अलग नाम से करंट ये जानी जाती है। ये अल्टीमेटली जो करंट होती है आगे जाकर के फिर से मिल जा रही होती है कहां पर, इक्वेटोरियल करंट में। तो इस तरीके से ये बेसिकली जो हम लोगों ने ये डायरेक्शन देखा पैसिफिक का, नॉर्थ पैसिफिक का, वो कंप्लीट हो जाता है, जहां पर सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। यहां पर जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है अलास्का की करंट। तो दिस अलास्का करंट इज बेसिकली वार्म करंट, और बाकी तो चीजें आपको पता ही है कि यहां पर सिस्टम जो होती है वो किस तरीके से घूम रहा है। क्लियर हो गया? अब हम लोग जरा नीचे बढ़े, अगर हम लोग पैसिफिक के दूसरे साइड में अगर आया जाए तो वहां पर देखते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है। ओके, तो यहां पर जो है पैसिफिक के नॉर्थ साइड में यहां पर क्या होती है कि ये करंट वापस से मूव कर रही होती है इधर के साइड में, और ये बेसिकली ईस्ट साइड है, इसका नाम पड़ जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट। तो दिस इज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट विच इज एक्चुअली वार्म, क्योंकि इक्वेटर एरिया से आ रही है, और यहां पर ये साउथ में, देखिए ये सब नाम याद ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। नीचे साउथ में एक करंट चल रही होती है और इस करंट का नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये हमेशा चल रही होती है, कंटिन्यूअस चल रही होती है, इसका नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, लिख देता हूं मैं। तो दिस इज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और ये ऑब्वियसली पोल इलाके से चल रही है तो पोलर ही होगी। यहां से ये संपर्क में आती है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट के, और अल्टीमेटली यहां से एक विंग निकल जाती है, और यहां पर जो विंग निकलती है इसका नाम सब लोग को पता ही है, एलिनो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दिस इज बेसिकली पेरू करेंट, ये पेरू करेंट होती है, या इसी को हम लोग बोल देते हैं हम्बोल्ट करेंट, हम्बोल्ट करेंट। तो ये बेसिकली यहां पर इस तरीके से करंट निकल के आ जाती है, जहां पर हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम देखा। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इस तरीके से हमारी ये पूरी की पूरी विंड चल रही होती है। तो ये हम लोगों ने पैसिफिक के बारे में बात किया, जहां पर हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया करंट के बारे में बात कर ली, इक्वेटोरियल हो गया, और बाकी कैलिफोर्निया, ओआशियो, ओआशियो के बारे में एक और चीज जान लीजिए कि ओआशियो को हम लोग कई बार कुरील के नाम से भी जानते हैं, के यू आर आई एल ई, कुछ बुक्स में इसका नाम कुरील करंट भी लिखा हुआ है, इसलिए जानते रहिए क्या चीज है। क्लियर हो गया?
आगे अगर बढ़ा जाए तो हम लोग चलते हैं अटलांटिक ओशन में. हियर इज द अटलांटिक ओशन. फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है. यहाँ पर देखिए अगेन, यहाँ पर हमारी इक्वेटोरियल करंट तो बही रही है. दिस इज इक्वेटोरियल करंट. इक्वेटोरियल करंट के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर साउथ में साउथ इक्वेटोरियल चल रही होती है, नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल चल रही होती है, और बीच में काउंटर इक्वेटोरियल चल रही होती है. तो दिस इज बेसिकली नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो ही गया है, साउथ के बीच में साउथ इक्वेटोरियल करंट हो जाएगा, एंड दिस इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट सीईसी. अब यहां से हम लोगों ने देखा था कि एक विंग अंदर चली गई थी जिसका नाम एंटीलीज करंट था. दिस इज एंटीलीज करंट. इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्टेंस कर लिया. ऊपर से जो निकलती है उसको नाम हम लोगों ने दे दिया था क्या चीज, कैरिबियन. दिस इज कैरिबियन करंट. ठीक है, अंदर जब गई थी तो इसका नाम हम लोगों ने फ्लोरिडा करंट दिया हुआ था. दिस इज बेसिकली फ्लोरिडा करंट. और जैसे ही ये दोनों कैरिबियन फ्लोरिडा मिलती है तो आगे जब बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम. तो ये गल्फ स्ट्रीम करंट हो जाती है. गल्फ स्ट्रीम से आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने पे इसको ऊपर से करंट मिल जाती है और उस करंट का नाम आ जाता है इधर से लेब्राडोर करंट. तो दिस इज लेब्राडोर करंट जो कि कोल्ड करंट है. इसके साथ ही साथ यहां से एक और करंट निकलती है जिसका नाम होता है इर्मिंगर करंट. तो ये इर्मिंगर ऊपर के साइड में निकल जाती है. इस इर्मिंगर के साथ में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है. कई बुक्स में इस इर्मिंगर को कोल्ड करंट दिखाया गया है. तो दिस कोल्ड करंट कई बार दिखाया हुआ है लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे एनसीईआरटी, और ये बेसिकली एनसीईआरटी में वार्म करंट दिखाया गया है, इसलिए आपको वार्म करंट दिखाना है. बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये लेब्राडोर के साथ मिल रही है, तो ये आगे एक करंट इर्मिंगर दे रही है एक बाइफरकेशन, और दूसरी एक बाइफरकेशन चली जाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में. तो एनएडी का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. जब भी कोई लंबी सी धारा जाती है तो उसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं. क्वेश्चन ही उठता है व्हाई इट इज मूविंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्यों ये क्लॉकवाइज घूम रही है. राइटवर्ड डायरेक्शन के कारण से, कोरियोलिस फोर्स के कारण से, कोई डाउट नहीं यहाँ पर. अच्छा, यहाँ पर जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक करंट टूट जाती है. टूटने के बाद में दो करंट यहाँ से निकलती है. एक करंट निकलती है जो इधर के साइड में चली जाती है जिसको कि हम लोग नॉर्वेजियन करंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्वे है ना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है नॉर्वेजियन करंट. ये नॉर्वेजियन करंट एक्चुअली में नॉर्वे में होती है, और ये जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है जो पीछे के साइड में है, ये अटलांटिक ड्रिफ्ट अंदर तक आती है, और अंदर तक आने के कारण में यहां पर रशिया का एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं मरमांस्क पोर्ट. तो दिस इज मरमांस्क पोर्ट, जो कि पोलर एरिया में होने के बावजूद भी ये नेविगेबल बना होता है, क्योंकि यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती रहती है जो इसको गर्म करती है, और गर्म करके अल्टीमेटली इस पोर्ट को ग्लेशियल फ्री कर देती है. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक विंग जो जा रही है वो नॉर्वेजियन करंट बना रही है, और दूसरी विंग जो नीचे इस तरीके से आगे आ रही होगी इसको हम लोग बोलते हैं कैनरी करंट. तो दिस इज बेसिकली कैनरी करंट हो गया. फटाफट इसको अगर समराइज किया जाए और देखा जाए कि क्या कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर इक्वेटोरियल करंट होती है. इक्वेटोरियल करंट जो होती है दो पार्ट में टूट जाती है. एक एंटीलीज करंट यहाँ से निकल जाती है और साथ में कैरिबियन करंट ऊपर से आ जाती है. जो एंटीलीज अंदर के साइड में जाती है वो फ्लोरिडा करंट बना देती है, और जब ये फ्लोरिडा और ये कैरिबियन आपस में मिलती है तो उसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम बोल देते हैं. गल्फ स्ट्रीम में ऊपर से लेब्राडोर करंट आ रही होती है जो कि यूएस के एक न्यूफाउंडलैंड एरिया में मिल रही होती है, और यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड बना रही होती है, और इसी विंग की एक आगे इर्मिंगर करंट निकल जाती है जो कि वार्म करंट है. दूसरी विंग निकल जाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में जो कि आगे जाकर के नॉर्वेजियन करंट में बदल जाती है, और कैनरी करंट आगे जाना जाने लगती है. तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक के सारे पार्ट को डिस्कस कर लिया. अब हम लोग जरा साउथ में आते हैं. साउथ में देखिए इक्वेटोरियल करंट जो बह रही है उस इक्वेटोरियल करंट, ये एक्चुअली इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर. तो इक्वेटोरियल जो करंट नीचे बह रही है उस इक्वेटोरियल करंट की एक विंग चली आती है नीचे के साइड में. नीचे के साइड में आने का मतलब क्या है, अगेन ये अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगी, और लेफ्ट डायरेक्शन बेसिकली इसका नीचे चला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राजीलियन करंट. तो ये बेसिकली ब्राजीलियन करंट है, ब्राजील के पास से गुजरती है, इसका नाम ब्राजीलियन करंट हो जाता है. साथ ही साथ हम लोगों ने अभी देखा था कि हमारी नीचे के साइड में एक करंट ब्लो कर रही होती है, कि यहां पर सिस्टम निकल रहा होता है जिसको हम लोग क्या बोले थे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट लगातार यहां पर चलता रहता है, और इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में हमें दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट. ठीक है, इस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के संपर्क में आने पर यहां पर एक करंट निकल के आती है ऊपर के साइड में. यहां से एक करंट निकल के आती है
जिसको बोला जाता है, नाम दिया जाता है फॉकलैंड करंट। क्यों फॉकलैंड करंट? क्योंकि यहीं पर साउथ में जो छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है, इसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड और इसी के नाम पे फॉकलैंड करंट बनती है। अल्टीमेटली ये ब्राजील के या अफ्रीका में आ जाती है और अफ्रीका से घूम करके फाइनली इक्वेटर में मिल जाती है। इस करंट का नाम है बेंगुइला करंट। तो दिस इज बेंगुइला करंट। देखिए सारी करंट का नाम आपको याद ही करना है, यहाँ पर कोई अदर ऑप्शन नहीं है। फटाफट अगर इसको समराइज किया जाए तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास करंट्स आई हैं वो ब्राजीलियन करंट आई है सबसे पहले टूट करके। नीचे वेस्टमैन ड्रिफ्ट घूम रही होती है जिससे एक फॉकलैंड करंट निकल के आती है फॉकलैंड आइलैंड से, अल्टीमेटली अफ्रीका में चली जाती है और बेंगुइला करंट के नाम से जाना जाने लगती है। क्लियर? तो ये थी हमारी पूरी की पूरी अटलांटिक ओशन के बारे में। एक फैक्ट यहाँ पर जरा ध्यान रखिएगा, वो ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्थ अटलांटिक है दिस इज वेरी नैरो और इस नैरो करंट में ही काफी अच्छा एक घुमाव मिल जा रहा है, इसको जो है एक अच्छी खासी जो होती है रोटेशन मिल जा रही है और इस रोटेशन के कारण से यहाँ पर एक जायर बन जाता है। जायर का मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि इस इलाके में ये जो मैंने येलो कलर से यहाँ पर मार्क किया हुआ है तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके का एक जायर बन जाता है, मतलब एक गहरा गड्ढा बन जाता है। जैसे कभी आप टब में पानी भर के उंगली से या किसी लकड़ी से घुमाए होंगे तो देखे होंगे कि जो वाटर होता है अगर वो वाटर इस तरीके से है तो यहाँ साइड साइड में वाटर ज्यादा चला आता है और इस तरीके से डिप्रेशन बन जाती है और इस तरीके से चला आता है। तो बेसिकली वाटर का नया रूप कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली ये जो डिप्रेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं जायर और ये जायर बेसिकली यहाँ नॉर्थ अटलांटिक में बन रहा होता है जिसका नाम है सरगासो सी। तो दिस इज बेसिकली सरगासो सी। क्वेश्चन ये उठता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई शिप अगर अंदर फंस जाती है तो फिर वो निकल नहीं पाती है, बाहर नहीं आ पाती है क्योंकि वो जायर के अंदर चली गई है और चारों रोटेशन इसको मिल रही है। तो जब भी ये बाहर निकलने की कोशिश भी करती है तो वापस से इस जायर के अंदर में गिर जा रही होती है। साथ ही साथ जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ये सरफेस पे आ जाती है। तो जायर बेसिकली जो होती है काफी ज्यादा पोल्यूटेड फॉर्मेट में दिखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये थी बेसिकली पूरी की पूरी अटलांटिक ओशन के बारे में। पैसिफिक के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। एक बार फटाफट अगर पैसिफिक के बारे में यहाँ पर रिवाइज किया जाए तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, फिर उसके बाद से कोलंबिया ये निकल के आती है, फिर इक्वेटोरियल करंट आ जाती है, यहाँ से अल्टीमेटली एक करंट निकली हुई है जिसका नाम है पेरू करंट या फिर हम्बोल्ट करंट। ऊपर एक करंट है जो वार्म करंट है जिसका नाम है अलास्का करंट। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने इधर का सिस्टम भी देख लिया। यहाँ पर हमारी मतलब कुरोशियो करंट थी, यहाँ ऊपर से जो होती है ओखोटास कोयाशियो आ रही थी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सॉरी नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट जा रही थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है। क्लियर? तो हम लोगों ने दोनों साइड को देख लिया एंड द लास्ट साइड इज दिस साइड इंडियन ओशन। फटाफट इंडियन ओशन को देख लेते हैं। इंडियन ओशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर सिस्टम अलग होती है और वो सिस्टम अलग होती है ये कि यहाँ पर ITCZ का सिस्टम होता है एंड दिस ITCZ का जो सिस्टम है ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे होंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में आप लोगों को बताऊंगा कि ITCZ एक्चुअली शिफ्ट होती है और शिफ्ट होने के कारण से जो ये ITCZ इस तरीके से वो ऐसे मूव कर जाती है और ऐसे मूव कर जाने के कारण विंड का जो डायरेक्शन होता है वो भी बदल जाता है और विंड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाता है। क्यों होता है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, यहां पर मैं नहीं बताऊंगा अभी, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पर देखिए विंड जो होती है वो सीधी सी बात है यहां पर भी इक्वेटोरियल वाली जो इक्वेटोरियल ही चल रही होगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल और साथ में काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट के साथ में यहां पर जो ओशियन मतलब कि इंडियन ओशियन जो यहां पर अरेबियन सी के पास में बे ऑफ बंगाल के साइड में आती है यहां पर हम लोग कभी करंट के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि दीज आर मॉनसूनल बेस्ड। तो मॉनसूनल बेस्ड होने के कारण से यहां पर हम लोग करंट के बारे में बात नहीं करते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? यहां पर जो थोड़ी मोड़ी करंट के बारे में बात करनी है वो हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि सिस्टम ये होता है कि ये इलाका दिस एरिया बेसिकली ये तो मॉनसूनल हो गया तो यहां पर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन साउथ में हमें थोड़ी मोड़ी चीजें देखने को मिल जाती हैं और वो साउथ में चीजें ये होती हैं कि यहां से एक करंट निकलती है जिसका नाम होता है मोजाम्बिक करंट। दिस इज मोजाम्बिक करंट क्योंकि यहां पर मोजाम्बिक स्टेट पाया मतलब मोजाम्बिक कंट्री होती है, यहां से एक करंट निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर ये मेडागास्कर करंट होती है, दोनों वार्म करंट होती है। साउथ में यहां पर चल ही रही है वेस्ट जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है तो यहां से एक करंट निकल के आती है जो कि बेसिकली कोल्ड करंट होती है एंड दिस कोल्ड करंट बेसिकली जो होती है इसका नाम है अगुलहास करंट। तो दिस इज अगुलहास करंट, ध्यान में रखिएगा अगुलहास करंट।
ये आगे बढ़ती है और ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में चली जाती है और इसका नाम होता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा सिस्टम देखा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट जाकर के साउथ ईस्ट एशिया होते हुए इक्वेटर से मिल जाती है, इक्वेटोरियल करंट से मिल जाती है। तो ये पूरा बेसिकली डिस्कशन था हमारे ओशन करंट के बारे में, जहां पर हम लोगों ने सारे ओशन करंट के बारे में देख लिया। अब हम लोग जरा कुछ देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट के बारे में फटाफट, कि ओशन करंट के कारण से हमें डेजर्ट फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। डेजर्ट फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि अगर कोल्ड करंट के ये संपर्क में आती है तो कोल्ड करंट सीधी सी बात है ये होती है ह्यूमिड, और ह्यूमिड के कारण से ये होती है, ये ह्यूमिड के कारण से स्टेबल भी होती है। स्टेबल होने के कारण से, क्योंकि स्टेबल का मतलब क्योंकि ये डेंस होती है तो डेंस होने के कारण से स्टेबल हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई नो प्रेसिपिटेशन लीड टू डेजर्टिफिकेशन। तो ये बेसिकली रीजन हो जाता है डेजर्ट फॉर्मेशन का। रेन्स करा देती है, क्यों? क्योंकि जो वार्म करंट होती है वो बेसिकली वार्म करंट प्रेसिपिटेशन करा देती है, क्योंकि यहां पर ह्यूमिडिटी लगातार इसकी 100% जो अचीव हो रही होती है वो लगातार गिरना शुरू हो जाती है, और जैसे ये लैंड साइड में आती है वैसे ही इसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जा रहा होता है। ये सारा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ रहे होंगे, तो क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग सारे कंसेप्ट को लगाएंगे। ये एक्चुअली जो ओशनोग्राफी का चैप्टर है और जो क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है, ये दोनों मिक्स सा चैप्टर है, देखेंगे हम लोग क्या है। इसके अलावा मॉडरेटिंग इफेक्ट लेकर के आता है, मतलब मॉडरेशन का काम कर रहा होता है। फिशिंग एरिया होती है, फिशिंग एरिया का मतलब हो गया कि जहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में मिल रही होती है वो फिशिंग ग्राउंड बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ द फाइटोप्लैंकटन जनरेशन हो जाता है। अभी हम लोग इसके पीछे एक स्लाइड भी है वो भी देखेंगे। ड्रिजल कर रही होती है, ड्रिजल इज ऑल्सो अ फॉर्मेट ऑफ रेन, ये भी प्रेसिपिटेशन का टाइप हो जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन लेकर के आ रही होती है क्योंकि यहां पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है, लो प्रेशर क्यों जनरेट होता है? जनरली क्या होती है, जो मंथ ऑफ जून होता है यहां पर आपको सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो फिर अगस्त सितंबर या अक्टूबर में क्यों जाकर के जो है वो साइक्लोन आती है? आनी तो जून के मंथ में चाहिए, क्यों ये अगस्त सितंबर अक्टूबर के मंथ में क्यों आता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ढूंढिएगा और टेलीग्राम में बताइएगा क्या है इसका आंसर, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि क्या चीज है। बट दिस इज वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंड यहां पर देखिए कुछ नहीं है, केवल और केवल फिजिक्स है, इतना मैं हिंट कर दे रहा हूं। उसके अलावा आप लोग खोजिएगा क्या चीज है। जून मंथ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर मुझे देखने को मिल रहा है तो साइक्लोन्स क्यों अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्यों आती है? आने को तो जून में ही आना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन, खोजिएगा आप लोग क्या चीज है इसका आंसर। बाकी नेविगेबल बना रही होती है और क्लाइमेट जो होती है वो इस तरीके से बना रही होती है। जैसे क्लाइमेट के लिए फ्लोरिडा के एरिया में बेसिकली मॉनसूनल क्लाइमेट बना रही होती है, तो मॉनसूनल थोड़ी थोड़ी इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो दीज आर वार्म एंड रेनी क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। साथ ही साथ कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट बना रही होती है, फॉगी क्लाइमेट बना रही होती है, और मॉडरेटिंग टाइम अलग अलग तरीके से बना रही होती है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा इफेक्ट ऑफ ओशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। डेजर्ट फॉर्मेशन एंड ओशियन करंट के बारे में यहाँ पर यही है कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो होती है वो 20-30 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलता है और वेस्टर्न साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पर रीजन यही है इसका, एक बार रीजन इसका भी सुन लीजिए क्या रीजन है। रीजन यहाँ पर ये है कि जैसे मान लेते हैं कि सपोज हम लोग अफ्रीका को ही ले लेते हैं, दिस इज आवर अफ्रीका, और यहाँ पर होता क्या है कि इस साइड में हमें कोल्ड करंट्स मिल रही होती है, होती थी ना बेंगुइला करंट थी अभी हम लोगों ने देखा, और इधर के साइड में जो होता है मोजाम्बिक मेडागास्कर इस तरीके से अलग अलग अगुलहास ये निकल करके आ रही थी। यहाँ पर होता क्या है कि जो विंड्स होती हैं बेसिकली वो ट्रेड विंड इस तरीके से चल रही होती हैं और इस ओशन करंट के संपर्क में आने के बाद यहाँ से मॉइस्चर उठा लेती हैं, मॉइस्चर उठाने के बाद इस इलाके में रेनफॉल करना शुरू कर देती है, और अल्टीमेटली ये एरिया रेनफॉल करने के बाद आगे जब बढ़ती है तो ये मॉइस्चर इसमें खत्म हो चुका होता है क्योंकि पानी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये कोल्ड करंट है ये इसको स्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देती है क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इसकी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है और इस वाले की वार्म, ये वार्म एयर हो चुकी है क्योंकि मॉइस्चर है नहीं, ऊपर उठी हुई है तो हल्की एयर ऊपर है, वार्म जो कोल्ड करंट या फिर कह सकते हैं कि जो भारी एयर है वो नीचे है, स्टेबल पोजीशन हो गई, आगे निकल जाता है और इस इलाके में कभी भी बारिश नहीं होती है, और बारिश ना होने के कारण यह अल्टीमेटली डेजर्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड द डेजर्ट फॉर्मेशन। कभी आपसे ये पूछे कि क्या कोल्ड करंट डेजर्ट फॉर्मेशन करती है तो आप बोलेंगे नहीं, डेजर्ट फॉर्मेशन करती नहीं है, बट डेजर्ट फॉर्मेशन करने में हेल्प जरूर करती है। क्लियर हो गया? तो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट।
ठीक है, कौन क्या चीज, कोल्ड करंट एक्चुअली, ठीक है, कोल्ड करंट जो होती है फॉर्मेशन हेल्प करती है। अब इसके बाद से जरा हम लोग देखते हैं प्लैंकटन के बारे में, मतलब कि जो कोल्ड करंट और वार्म करंट आपस में मिल रही थी जिसके कारण से प्लैंकटन जनरेशन हो रहा था। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर एल्गी एंड अदर प्लांट्स आर एबल टू फोटोसिंथेसाइज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल एनिमल हायर अप इन द फूड चेन। ऑलमोस्ट ऑल द बायोमास इन द ओशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइटोप्लैंकटन टू अ लेसर एक्सटेंट टू द बेंथिक एल्गी। बेंथिक का मतलब होता है जो सबसे बॉटम साइड में पाए जाते हैं, सबसे नीचे पाए जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है बेंथोस। एक्चुअली क्या होती है, हमारे पास ओशन में अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे एक होती है जिसको पेरीफाइटन बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले को, तो पेरीफाइटन होती है। फिर उसके बाद से प्लैंकटन होती है, प्लैंकटन में दो तरीके से, एक होती है जो फाइटोप्लैंकटन होती है, दूसरी होती है जू प्लैंकटन। तो हमारे पास बेसिकली इस तरीके से अलग अलग सिस्टम हो जाता है, प्लैंकटन हो जाता है। फिर उसके बाद से यहाँ पर एक्चुअली सबसे ऊपर एक और होती है जिसको बोलते हैं न्यूस्टॉन, ठीक है, तो इस तरीके से, और लास्ट में हो जाती है बेंथोस जो हमारी हो जाती है। तो ये हम सिस्टम देखेंगे जब हम लोग अपना एनवायरनमेंट बात करेंगे, तो वहां पर भी देखेंगे क्या चीज है। बाकी इस तरीके से यहाँ पर प्लैंकटन के जनरेशन के लिए काफी अच्छी कंडीशन मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है, नाइट्रोजन फॉस्फेट सब कुछ मिल जाता है, जिसके कारण से प्लैंकटन बेसिकली जनरेट हो जाती है। और इस तरीके से फोटोसिंथेसिस करके यहाँ पर प्लैंकटन जनरेशन हो जाता है, प्लैंकटन जहाँ पे पाई जाएगी वहीं पर फिशिंग फूड, और फिशिंग फूड के कारण से फिश पाई जाएगी। और इस तरीके से हम लोगों ने पूरा सिस्टम देख लिया। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन ओशन करंट के बारे में और प्लैंकटन के बारे में, काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।